हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यू टॉपिक सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा और फिर इसी श्रृंखला में, इसी चेन में आपको हम आगे भी इसी सेल डिवीजन से रिलेटेड वीडियो आपको देते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो देखो स्लैटन और स्वान जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि सेल का जो डिवीजन है वो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनका एक प्रोमिनेंट फीचर्स है। और अगर कोई भी सेल लिविंग कंडीशन में है तो वो क्या करती है, वो अपने जैसी न्यू डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती है। और ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं सेल फॉर्मेशन या फिर सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सेल डिवीजन है, उस डिवीजन में आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी डिवीजन होता है, और उस डिवीजन में मात्र अगर सारी कंडीशंस एडाप्टेबल हैं तो 20 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर हम एवरेज टाइम लें, तो अगर एवरेज टाइम अगर हम लें तो एवरेज टाइम में आप ये मान लो कि इस डिवीजन में, ठीक है, 20 मिनट सबसे मिनिमम हो गया और मैक्सिमम आपका हो गया 24 आवर्स, 24 घंटे, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में अगर हम देखें तो जितनी भी आपकी सेल्स हैं वो तीन अलग अलग स्टेज से गुजरती हैं। जैसे आप लोगों ने जो आपका लाइफ प्रोसेस था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक लाइफ स्पेन शो करते हैं। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन क्रम, पैदा हुए, ग्रोथ किया, ओल्ड स्टेज पे आए और फिर डेथ हो गई। यहाँ पर भी जो सेल है वो भी अपना एक लाइफ स्पेन रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लाइफ स्पेन है ये आपका ठीक कहाँ पर ख़त्म होता है, सेल डिवीजन पर। आगे बात समझ में, बात क्लियर हुई। अब देखो अगर हम यहाँ पर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में मुख्य रूप से तीन स्टेज होती है। कौन कौन सी, देखो पहली आपकी होती है इंटरफेस, इसको हम लोग हिंदी में अंतरावस्था ठीक है, और या फिर इसको वृद्धि अवस्था, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। एक तरह से तुम ये मान लो कि ये प्रिपरेशन स्टेज होती है, और प्रिपरेशन स्टेज जो है इसको आप ग्रोथ कह सकते हैं, वृद्धि, समझ रहे। जब भी आप कोई वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का वर्क, एक्स वाई जेड कोई भी, सिंपल वे में आप ये समझ लो कि जैसे मान लो आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ठीक, तो ऐसा तो आए नहीं कि मॉर्निंग में उठे और स्कूल के लिए चल दिए। उसके लिए आपको क्या है, प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक, सबसे पहले आपको जो ड्रेसअप है स्कूल का वो करना है, ठीक, शूज, फिर आपको जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक्स और कॉपीज हैं उनको
क्या करना है, सिस्टमेटिक रखना है कि टिफिन लेना है, पानी की बोतल लेनी है और फिर आपको स्कूल के लिए जाना। तो ये आपका क्या हुआ, प्रिपरेशन। तो उसी प्रकार से जो सेल है वो भी डिवीजन से पहले क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। और वो प्रिपरेशन जो है, वो जो प्रिपरेशन है वही आपका कहलाता है इंटरफेस, यानी कि अंतरावस्था। हार्वर्ड और पेले ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो भी सेल हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, वो अपने पूरे जीवन में एक चक्र शो करती हैं और उस चक्र को हम लोग सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं, ठीक है। अब वो अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस जो है ये इस चक्र का तीन महत्वपूर्ण जो फेस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब वो कौन कौन से फेस हैं, देखो पहला आपका होता है जीवन फेस, दूसरा होता है एस फेस, तीसरा होता है जी टू फेस। ये तीन फेस होते हैं, समझ गए। यहां पर ये जो जी है इसका मतलब होता है गैप, तो गैप फर्स्ट, गैप सेकंड, और एस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। आया सामने, यहां पर गैप जो है वो होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ में साइज का इंक्रीजमेंट है, जो सेल है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, साथ ही उसका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप होगा। अब आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में फोर पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड न्यूक्लियोलस, समझ रहे हैं। तो इंटरफेस से पहले ये चारों जो आपके पार्ट हैं वो इनविजिबल होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से सेल को देखें तो ये आपको क्लियरली शो नहीं होते हैं, लेकिन जब इंटरफेस कंप्लीट होगी जी टू फेस तो ये चारों के चारों जो पार्ट हैं न्यूक्लियस के वो क्लियरली शो होना शुरू हो जाते हैं। सेल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है, और ये सारी चीज़ें इन तीनों अवस्थाओं के बाद कंप्लीट होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ऐसा हमने यहाँ पर जो एस फेज है इसमें मेन डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन इन तीन चीज़ों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का, समझ गए बस नहीं। तो अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में इंटरफेस पहली अवस्था होती है जिसमें कोशिका चक्र जो है उसकी तीन अवस्थाएं आती हैं, ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर आपका आता है नंबर टू, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसको अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे केंद्रक विभाजन। ठीक, और इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं एम फेस, और एम का मतलब है माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन एम फेस। जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाती है तो इंटरफेस कंप्लीट होने पर एम फेस आती है, माइटोसिस डिवीजन, इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर टू डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इसकी फोर स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज टीलोफेज, ये जो चारों स्टेज होती हैं वो आपकी होती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चारों जो स्टेज हैं, इन स्टेज के कंप्लीट होने पर जो सेल का न्यूक्लियस है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, समझ गए? इसको हम लोग जब सेल डिवीजन आपको हम लेके चलेंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में समझाएंगे। आज मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो पॉइंट्स हैं वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहली इंटरफेज हो गई, दूसरी कैरियोगेनेसिस, एंड लास्ट में जो तीसरी स्टेज होती है वो आपकी कहलाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन। देखो ये जो क्रिया है ये केंद्रक विभाजन के बाद होती है, जब केंद्रक दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो टू हाफ में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक मदर सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर कोई भी सेल डिवाइड हो रही है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसमें तीन स्टेज मेन होती है, इंटरफेस प्रिपरेशन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है। समझ गए बात समझ नहीं? एक चीज छोटी सी और समझ लीजिए, देखो कुछ सेल ऐसी, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजन नहीं करती हैं, बन गई, बनने के बाद वो फिर डिवाइड नहीं होती है, या फिर कुछ समय के लिए डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पर आप ये समझ लो, मैं बहुत सिंपल सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो जो इंटरफेज है उसमें आपकी जीवन फेज होती है। अब मान लो कोई सेल डिवीजन नहीं करेगी तो जीवन के बाद फिर ये जो सिंथेसाइज फेज है, संश्लेषण अवस्था, ये नहीं होती है और यहाँ पर आ जाता है शून्य, जिसको हम लोग बोलते हैं जी जीरो फेस। तो ये सेल साइकिल से रिलेटेड है, इसको जी जीरो बोलते हैं। जी जीरो का मतलब जहाँ पर डिवीजन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो सेल डिवाइड ही नहीं होती वो जी जीरो के बाद आगे का कोई फेस शो नहीं करती, लेकिन जिनमें डिवीजन होता है तो वो थोड़े समय के लिए जी जीरो फेस पे रहती है, उसके बाद एस और फिर जी टू के बाद आगे की जो स्टेज है उनको कंप्लीट करती है। आया समझ में? क्लियर है? तो अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सेल अगर डिवाइड होती है तो उसमें ये तीन स्टेज मेन आपकी आएंगी, ठीक है? बात समझ में? अब हम बात करते हैं जो सेल है वो कितने टाइप में डिवाइड होते, कितने प्रकार उसके होते हैं, तो वो भी जल्दी समझ लो। देखो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो जो डिवीजन है सेल का वो बेसिकली तो दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से, लेकिन अगर हम टोटल टाइप्स की बात करें तो ये आपके पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखो पहला आपका हो गया माइटोसिस डिवीजन, सेकंड हो गया
मियोसिस डिवीजन, थर्ड आपका हो गया बडिंग, बडिंग ठीक है, फोर्थ आपका हो गया फ्री सेल फॉर्मेशन, और नंबर फाइव में आपका हो गया ए माइटोसिस। ये पांच होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो बहुत शॉर्ट में आप समझ लो, ये हो गया सूत्री विभाजन, ये जीवों की काई कोशिका में यानी कि वेजिटेटिव सेल में होता है, ये आपका हो गया अर्धसूत्री विभाजन जो जेनरेटिव सेल में होता है, जो जेनरेटिव सेल होती है जनन कोशिका उसमें होता है, बड़े आप लोगों ने पढ़ाई होगा हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, फ्री सेल फॉर्मेशन जनरली प्लांट्स में और एनिमल में भी होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि सेल्स के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जनरली जो स्पोर फॉर्मेशन है बीजाणु का निर्माण है उस समय ये डिवीजन खास तौर पे होता है, एंड लास्ट में ए माइटोसिस, इसमें कोई भी सेल जिसका न्यूक्लियस लंबा होके दो भागों में ब्रेक हो जाता है और फिर ब्रेक होने के बाद सिंपली कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर टू हाफ्स में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका इक्वल बंटवारा नहीं होता है, माइटोसिस में इक्वल बंटवारा होता है, मियोसिस में बंटवारा हाफ होता है, लेकिन इसमें कोई भी क्या है डिटर्मिनेशन नहीं होगा, निश्चित कोई चीज़ नहीं होती है, आधे भी हो सकते हैं आधे नहीं भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम भी, तो जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं है, ऐसा समझ में क्लियर है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे तो ये आपके पांच मेन हैं। अब इसमें देखो जो बडिंग है ये आपका टेंथ में आप लोग पढ़ चुके थे, कोई भी सेल है इस पर एक आउटग्रोथ निकलेगी, जो इसका न्यूक्लियस है वो पास हो जाएगा थोड़ा सा पोर्शन, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बर्ड, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो मदर सेल से क्या होगी अलग हो जाएगी और न्यू सेल बनाएगी, ऐसे करके था। हाइड्रा है ईस्ट है इनमें ये क्रिया एक तरह से डिवीजन को शुरू करती है। ठीक, फ्री सेल फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है ये इसका न्यूक्लियस, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अब एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा, अब जो इसका साइटोप्लाज्म है वो इनके चारों तरफ कवर्ड हो जाएगा, और इस तरह से एक सेल बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। एक्चुअली में ये जो डिवीजन होता है वो जब स्पोर फॉर्मेशन होती है बीजाणुओं का निर्माण होता है उस समय ये डिवीजन आमतौर पर होता है, समझ गए क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और एक और आपका छोटा सा ए माइटोसिस, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये मदर सेल है ये न्यूक्लियस, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस इलॉन्गेशन रेट पे ग्रो करेगा ये देखो ऐसे, और उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बीच में से इनसाइड इनवेजिट करेगी, और उसी भाग से ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवेजिट करेगी और फिर इस तरह से दो सेल बनेंगे। ये
तो बडिंग की प्रोसेस, फ्री सेल फॉर्मेशन और एमाइटोसिस, ये तीनों प्रकार के जो डिवीजन है ये निम्न कोटि के लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होते हैं। और जो आपका जो 11th का कोर्स है उसमें ये नहीं रखे गए हैं। आपके पास मेन जो है वो दो डिवीजन है, एक आपका माइटोसिस सूत्री विभाजन और दूसरा आपका मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, समझ गए। इसी के बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ना है, क्लियर। तो मैंने इस वीडियो में आपको सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक पॉइंट्स और टाइप्स कितने होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। अब आगे वाले वीडियो में जो आगे मैं वीडियो आपको दूंगा उसमें मैं आपको सेल साइकिल, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, इनसे रिलेटेड आपको वीडियो में दूंगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।